आइडिया एयरटेल और वोडाफोन की सिमें होंगी बंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, एयरटेल आइडिया और वोडाफोन की सिमें 45 दिनों में बंद होने वाली हैं। क्या है वो कंडीशन, क्यों हो रही है सिम बंद, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और आप अपनी सिम को बंद होने से कैसे बचा सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, और आगे चल के आपको ये काफ़ी काम देगी कि आप अपनी सिम कैसे बचा सकते हैं बंद होने से, या आपकी सिम बंद होगी कि नहीं होगी ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप देख रहे हैं HKD वायरल। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एयरटेल आइडिया वोडाफोन वालों ने एक नई पॉलिसी, नई कंडीशन निकाल दी है जिसमें आपको हर महीने एक वैलिडिटी रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अगर आप ये रिचार्ज नहीं करवाते तो आपकी सिम 45 दिन के अंदर बंद हो जाएगी। सबसे पहले आपकी आउटगोइंग बंद होगी, फिर इनकमिंग बंद होगी, फिर आपकी सिम को 15 दिन के अंदर फुल्ली डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप अपनी सिम में हर महीने रिचार्ज करवाएं, या तो आप अपनी सिम को दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर में पोर्ट करवा लें। दोनों में एक ही बात आती है कि कौन से नेटवर्क का स्ट्रेंथ आपके घर पे ज़्यादा अच्छी आती है, आप उसी में या तो रिचार्ज करवाएं या उसी में पोर्ट करा लें। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो आपका प्लान और पैसा दोनों बर्बाद होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका पोर्ट कराने का। अगर आपके घर पे जियो का स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा आता है तो मैं तो कहूँगा दोस्तों आप जियो में पोर्ट कराएं, क्योंकि जियो जो है शुरू से ही 4G सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और जियो का नेटवर्क अगर आपके घर पे अच्छा आता है तो उसमें पोर्ट कराना आपके लिए बेस्ट होगा। जियो आपको एक वोल्टी सर्विस देता है जिसमें आपकी कॉल कनेक्टिंग टाइम बहुत कम होती है, अगर आप वोल्टी टू वोल्टी कॉल करते हैं किसी को तो तुरंत कनेक्ट हो जाती है, जरा भी टाइम नहीं लगता। वहीं अगर आप देखें दूसरे नेटवर्क एयरटेल आइडिया वोडाफोन की, वो तो अभी पूरी तरीके से 4G भी नहीं हो पाए हैं, बस कहने के 4G हैं, चलते वो 2G वाली स्पीड पे हैं। तो दोस्तों अगर आप, ये उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर टेलीकॉम ऑपरेटर जो है हर जगह अपनी स्ट्रेंथ अच्छी दे नहीं सकता, इसके काफ़ी रीज़न है। क्योंकि कई बार उनको टावर लगाने की परमिशन नहीं मिल पाती, कई बार जो है टावर लग भी जाते हैं तो वहाँ के रेडिएशन के कारण वहाँ के लोगों को जो परेशानी होती है उसके कारण टावर अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पाता है, या कई जगहों पर उनके टावर नहीं होते इसलिए उनकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आती है। वोडाफोन ने बोला है कि वो अपने स्ट्रेंथ को और अच्छा 2G से पूरा 4G करने के लिए काम करेगा। वहीं जियो ने भी सबको ये बताया है कि वो अपने नेटवर्क को और अच्छा करने के लिए और ज़्यादा काम करेगा, ताकि हर घर में उसकी रेंज ज़्यादा अच्छी आए तो लोग अच्छे से उसके सिम का यूज़ कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जियो का इस्तेमाल करें। तो अगर जियो ये करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो जियो आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि जियो शुरू से 4G सर्विस दे रहा है और वोल्टी सर्विस दे रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास जियो की सिम ना हो तो आप जियो की सिम में ही पोर्ट कराएं, ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि जियो जो है 4G सर्विस में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। वहीं अगर आप बात करते हैं दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर की, एयरटेल वोडाफोन आइडिया, तो उसमें आपको ये दो एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप उसको किसी भी सेट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 2G हो, चाहे 3G हो, चाहे 4G हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जियो को सिर्फ 4G में यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज आपको इन सिम में मिल जाता है, एयरटेल आइडिया वोडाफोन की सिमों में मिल जाता है आपको एडवांटेज कि आप कहीं भी यूज़ करें। दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे टाटा डोकोमो की बात करें तो उसमें तो गाइज मैं तो यही बोलूंगा उसमें पोर्ट ना कराएं, क्योंकि कभी भी खबर आ सकती है कि वो बंद हो गई है और आपको फिर दूसरे नेटवर्क में पोर्ट कराने के लिए जाना पड़ रहा है, आपको खबर मिल रही है कि इतने दिन का टाइम है, आप फिर जाके उसमें पोर्ट करा लीजिए, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। क्योंकि आजकल जो कॉम्पिटिशन है वो सिर्फ 4 ही सिमों के बीच में बच गया है, एयरटेल आइडिया वोडाफोन और यही एक और जियो, यही एक दूसरे को कंपटीशन दे सकती हैं। आइडिया वोडाफोन में आपको किसी भी सेट में यूज़ करने की एडवांटेज मिल जाती है, और अगर इसमें दो तरीके कस्टमर चूज़ किए गए हैं, एक जो अनलिमिटेड वाला रिचार्ज करवाते हैं, एक जो प्रीपेड कस्टमर हैं जो कम पैसों का रिचार्ज करवाते हैं और कम इस्तेमाल करते हैं। जो अनलिमिटेड वाला रिचार्ज करवाते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सर्विस कंटिन्यूसली चलती रहेगी, लेकिन जो प्रीपेड वाला रिचार्ज करवाते हैं उन लोगों को हर महीने एक वैलिडिटी रिचार्ज करवाना पड़ेगा, वरना उनकी सिम 45 दिन के अंदर बंद हो जाएगी। अगर आप एयरटेल आइडिया वोडाफोन में देखें और आपके घर पे उन्हीं के स्ट्रेंथ अच्छे आते हैं तो आप उसी में रहें, क्योंकि आप उसकी फिर अनलिमिटेड वाली यूज पैक का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। बस उसमें आपको एक डिसएडवांटेज रहेगी कि आप वोल्टी सर्विस का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें वोल्टी सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं होगी, और बस लेकिन आप बाकी चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। वहीं अगर आप देखें कॉल ड्रॉप की देखें तो जियो में भी दोस्तों कॉल ड्रॉप होती है और बाकी सिमों में भी कॉल ड्रॉप होती है, लेकिन बाकी सिमें अच्छी हैं, बाकी फैसिलिटी में तो बाकी सिमें अच्छी हैं, लेकिन बस वो वोल्टी सर्विस नहीं दे पाती हैं। हाँ अगर आप बाकी चीज़ों को छोड़ दें तो आप उसी नेटवर्क ऑपरेटर में रहें जिसकी स्ट्रेंथ आपके घर में काफ़ी अच्छी आती है और जिसकी स्पीड आपके घर पर अच्छी चलती है, जिसका नेट आपका 4G अच्छा चलता है आपके घर पर और कॉल अच्छे से कनेक्ट हो जाती है, कॉल ड्रॉप कम होती है, आप उसी में रहें। अगर हम वहीं दूसरे नेटवर्क ऑपरेटर जैसे BSNL की बात करते हैं तो BSNL में तो
और भी ज्यादा दिक्कत आती है। पहली बात तो बीएसएनएल पूरी तरीके से अभी 4G हो नहीं पाया है, अभी उसकी काफी बहुत ज्यादा जगहों पे तो 2G स्पीड चलती है, 4G अभी कम्प्लीटली बन नहीं पाया है। और इसमें तो आपको और भी तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे पूरे दिन आपके सिग्नल नहीं आते, जिसके कारण यूजर्स को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। और इसमें आपको वैलिडिटी रिचार्ज नहीं लेकिन एक तरीके का आपको पे करना पड़ता है, जिसके लिए आपके फोन पे कॉल आती रहे, इनकमिंग कॉल के लिए आपको इसमें पे करना होता है, ताकि इतने दिन तक आपकी कॉल आराम से फोन पे आपके आती रहे, जो कि सेम है। टाटा डोकोमो मैंने पहले ही आपको बता दिया, इस सिम का इस्तेमाल करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पता चले सिम कुछ दिन बाद बंद हो गई है या मर्ज हो गई है तो आपको फिर पोर्ट कराना पड़ेगा, उससे आप ही को दिक्कत होगी। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन, जो अभी कंडीशन चल रही है इन तीनों कंपनियों ने जो पॉलिसी निकाली है। अगर वीडियो यार पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों को भी पहुंचाओ, ताकि उन्हें भी पता चल सके।